हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा 42E ऑक्शन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 42E ऑक्शन में सिर्फ MPG2 चैनल के लिए ऑक्शन होने जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूं, बहुत दिनों से डीडी फ्रीडिस के ग्राहक इंतजार कर रहे थे कि नए चैनल कब से देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि डीडी फ्रीडिस के ई ऑक्शन का डेट आ चुका है, यानी कि 15 नवंबर 2019 को ई ऑक्शन होने वाला है। इसमें सभी जेनर के यानी कि सभी कैटेगरी के चैनल पार्टिसिपेट करेंगे और 8 चैनल आपको MPG2 स्लॉट्स में देखने को नए मिलेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो MPG2 चैनल का जो ई ऑक्शन हो रहा है उसमें 3 महीने के लिए प्रो डेटा बेसिस पे चैनल का सिलेक्शन होगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक चैनल्स देखेंगे। जो भी 8 नए चैनल सिलेक्ट होंगे 3 महीने के लिए देखने को मिलेगा और 15 नवंबर को ई ऑक्शन होगा और 1 दिसंबर से ये चैनल आपको डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दो, 14 नवंबर तक जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद 15 नवंबर को ई ऑप्शन की प्रोसीजर रखी जाएगी। जो चैनल जीतेगा उसका अमाउंट पे करना है, उसके बाद उनकी चैनल की प्लेसमेंट डीडी फ्री डिश पे कर दी जाएगी। ये अपडेट आ रहा था दोस्तों डीडी फ्री डिश की तरफ से, तो ग्राहकों के लिए काफी खुशी की बात है कि हो सकता है बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर के पेड चैनल बंद हुए हैं वो भी आ सकते हैं और कुछ और नए चैनल जो लॉन्च हुए हैं वो भी डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को आपको मिल सकता है। तो ये अपडेट था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।